अंबिकापुर शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में बुराई पर अच्छाई की जीत पर विजयदशमी पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दरअसल अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा सेवा समिति, नागरिक सेवा समिति व जिला प्रशासन के तत्वावधान में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। इस बार रावण की ऊंचाई 85 फीट का पुतला बनाया गया था। उधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। वहीं जिले भर से हजारों की संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे, जहां रावण दहन से पूर्व घंटों जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं जय श्री राम के नाम के नारों के साथ पूरा पीजी का ग्राउंड गूंज उठा। इस क्रम में मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विजयदशमी का पर्व नागरिक सेवा समिति, सरगुजा सेवा समिति और जिला प्रशासन के तत्वाधान में हम 3 कार्यक्रम कर रहे हैं। मानस गान का, शैला नृत्य का और विजयदशमी का पर्व। आज हम लोगों की रैली भजनाश्रम से निकल के पीजी कॉलेज ग्राउंड में विशाल आज अंबिकापुर की जनता के साथ करीब 1.5 लाख की पब्लिक आज इस पीजी कॉलेज ग्राउंड में विजयदशमी का पर्व के लिए कुंभकर्ण जी का, मेघनाथ जी का और रावण जी का श्री राम जी के द्वारा वध किया गया। और भव्य आतिशबाजी हम लोगों ने दिल्ली से आतिशबाजी मंगाए थे और कानपुर की एक विस्तृत कला सांस्कृतिक कार्यक्रम का अनुभव किया गया था। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत मुख्य अतिथि थे और इसके साथ ही पूरे अंबिकापुर शहर की जनता आई थी। हम अपने अंबिकापुर की सभी जनता को दशहरा की हार्दिक बधाई और आज इस सफल आयोजन के लिए पूरे सभी लोगों को हम सबको धन्यवाद देते हैं।